हे गाइस, मैं हूं पिंकी आर्या और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज जो मैं रिव्यू वीडियो लेकर हाजिर हूं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो हिमांशु जी ने मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया कि आप जो लोटस का वाइटनिंग स्क्रब है प्लीज़ उसका रिव्यू कीजिए। तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था, अब फिलहाल मेरे पास प्रोडक्ट है और मैंने इसको यूज़ किया है। और इवन मैंने नहीं, मेरे भाई ने भी यूज़ किया है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा है। तो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये है लोटस वाइट ग्लो ओटमील एंड योगर्ट स्किन वाइटनिंग स्क्रब। और इसका जो प्राइस है वो है 195 रुपीज़। और जो इसकी क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम। तो इसकी एक सिल्वर कलर की पैकेजिंग है, सिल्वर कलर की एक ट्यूब पैकेजिंग है और ये यहाँ से सील पैक में आता है और कुछ इस तरह से खुलता है। इसकी जो स्मेल है वो बाकी जो लोटस की डे क्रीम और नाइट क्रीम आती है उसी की जैसी ये स्मेल करता है। और इसके अंदर लिखा गया है एक्सफोलिएट एंड ब्राइटन स्किन फॉर हेल्दी ग्लो। और मैं आपको बता दूं, ये स्क्रब मैंने इवनिंग के टाइम यूज़ किया था और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो आपके स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं। एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो बहुत शार्प टाइप के हैं, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो आपको रैशेस हो जाएंगे। तो ये क्या कहता है, क्या क्लेम करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक वाइट ग्लो स्क्रब है जिसके अंदर है ओटमील योगर्ट स्किन वाइटनिंग स्क्रब, एक्सफोलिएट द स्किन जेंटली, रिमूव डर्ट इम्प्योरिटीज ब्लैकेट्स एंड वाइटर्स और लीविंग योर स्किन ब्राइटर एंड हेल्दियर। तो ये सारी चीजें करता है। मैंने इसको यूज किया है, मुझे ये स्क्रब बहुत अच्छा लगा है। इसने बहुत अच्छे से मेरी स्किन को एक्सफोलिएट किया और मुझे थोड़ा सा रेडनेस की प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मैंने थोड़ा तेज हाथों से रगड़ लिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इसके अंदर ग्रैनुल्स है वो थोड़ी से शार्प हैं तो आपको भी रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा अपने स्किन के ऊपर हार्श रहेंगे। तो जेंटली आपको स्क्रब करना है। अब बात करते हैं इसके टेक्स्चर के बारे में। तो मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। तो ये व्हाइट कलर की टेक्स्चर स्किन उसके अंदर है और आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसे व्हाइट कलर के अंदर, और इसके जो पार्टिकल्स है वो भी व्हाइट कलर के ही हैं, इसका कोई अलग से कोई कलर नहीं है। और आपको धीरे 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 एक्सफोलिएट करना है अपनी स्किन को और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा है ये स्क्रब। और फेस वॉश का रिव्यू मैं जरूर कर दूंगी हिमांशु जी, मेरे पास प्रोडक्ट आ जाने दीजिए, आपने मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट किया था। तो फाइनली मैं आपको बताती हूँ, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप खरीद लीजिए। और मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा है ये स्क्रब, ये अच्छे से व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स पे काम करता है। और अगर आपको मतलब ड्राई स्किन है, फ्लेकीनेस की शिकायत है तो वो भी ये ठीक कर देगा। तो ये था मेरा लोटस वाइट ग्लो स्किन स्क्रब का रिव्यू। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू। और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट या क्वेरी हो तो आप भी वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई जरूर करूंगी। आप सभी लोग बनाए रखें संयम कि मैं धीरे धीरे सभी का प्रोडक्ट लेके आऊंगी। मुझे टाइम लग जाता है प्रोडक्ट लाने के लिए और उसको यूज़ करके देखने के लिए भी। और आप सभी का शुक्रिया, आप सभी लोग इतने अच्छे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और बस खुश रहिए तब तक के लिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।